आरोप बहुत संगीन है। देखना होगा आम आदमी पार्टी की तरफ से सफाई पे इस पे क्या कहा जाता है। हालांकि बहुत बड़ा इतिहास नहीं रहा है सफाई देने का आम आदमी पार्टी में। अगली खबर का रुख करते हैं, आम आदमी पार्टी से ही जुड़ी हुई है। 23 मार्च को वाराणसी में अब नहीं होगी अरविंद केजरीवाल की रैली, अब ये रैली 25 मार्च को होगी। दरअसल वाराणसी जिला प्रशासन ने स्थानीय चुनाव का हवाला देते हुए 23 मार्च को वाराणसी में रैली करने की इजाजत आम आदमी पार्टी को नहीं दी। प्रशासन ने 25 मार्च की तारीख सुझाई, जिसे आम आदमी पार्टी ने मंजूर कर लिया है। गौरतलब है कि वाराणसी में रायशुमारी कर ही अरविंद केजरीवाल वहां से मोदी के खिलाफ अपनी उम्मीदवारी का ऐलान करने वाले हैं। जिलाधिकारी महोदय ने ये अवगत कराया है कि 23 मार्च को एमएलसी का स्नातक और शिक्षक क्षेत्र का जो चुनाव होता है, उसके कारण से बेनियाबाग की रैली के लिए अनुमति देने में उन्होंने अक्षमता दिखाई है और पूर्वांचल के संयोजक संजीव सिंह जी से उनसे अभी बातचीत हुई टेलीफोन पे, तो उन्होंने कहा है कि 25 तारीख को अगर आप अपना कार्यक्रम रखें तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हम कानून व्यवस्था के मद्देनज़र आपसे चाहते हैं कि आप 25 तारीख को अपनी रैली कर लें। तो आम आदमी पार्टी ने उनको अवगत करा दिया है कि जो 23 मार्च की रैली थी, अब उसको 25 मार्च को हम लोग आयोजित करेंगे।